दोस्तों आईपीएल 2024 के 11वें मैच में पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स एक दूसरे के आमने सामने होगी। दोनों टीमें अपना लास्ट मैच हार चुकी हैं, इसलिए दोनों जीत की पटरी पर वापस लौटना चाहेंगी। आज के इस वीडियो में हम पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स दोनों टीमों के बीच प्लेइंग 11 के आधार पर कंपैरिजन करने वाले हैं और जानेंगे कि कौन सी टीम ज्यादा मजबूत है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं पंजाब और लखनऊ के बीच भिड़ंत का बेसब्री से इंतजार, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले, अगर आप टॉस और सेशन का 100% एक्यूरेट प्रेडिक्शन चाहते हैं तो ऑल इन वन से कॉन्टैक्ट जरूर करें। इनका नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इनका नंबर मिल जाएगा। तो आप इस आईपीएल में हजारों लाखों की विनिंग करने के लिए ऑल इन वन से कॉन्टैक्ट जरूर करें। और हाँ, आप इनका टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ कल कन्फर्म मैच बना दिया था जो नॉन कटिंग पास हो गया। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। चलिए दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और प्लेइंग 11 से पहले जानते हैं पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड्स। तो दोनों ही टीमों के बीच अब तक आईपीएल में केवल 3 मैच खेले गए हैं, जो पिछले 2 सीजन में हुए हैं, जिनमें से 2 मैच लखनऊ ने जीते हैं तो वहीं पंजाब ने 1 मैच जीता है। यानी कि लखनऊ का पलड़ा हल्का सा भारी है हेड टू हेड में। और दोस्तों अब कंपेरिजन करते हैं पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच। सबसे पहले टॉप ऑर्डर पर नजर डालते हैं, तो पंजाब के लिए ओपन करेंगे शिखर धवन और जॉनी बेयरस्टो। फिर नंबर 3 पर पर्व सिमरन सिंह खेलेंगे, जबकि लखनऊ के लिए कप्तान केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक की जोड़ी ओपनिंग करेगी। नंबर 3 पर दिवदत्त पड्डीकल उतरेंगे। कंपेरिजन करें तो टॉप ऑर्डर में पीवीकेएस और एलएसजी का पलड़ा लगभग बराबर लग रहा है। दोनों टीमों के ओपनर वर्ल्ड क्लास हैं और टक्कर के भी हैं, लेकिन दोनों के कप्तान को छोड़कर बाकी बल्लेबाज फ्लॉप ही रहे हैं। हालांकि राहुल और धवन ने स्लो बैटिंग की है, ऐसे में टॉप ऑर्डर बराबर है। टॉप ऑर्डर के बाद दोस्तों अब मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं, तो पीवीकेएस के लिए नंबर 4 पर लियाम लिविंगस्टन, नंबर 5 पर जितेश शर्मा, नंबर 6 पर सैम करन और 7वें नंबर पर शशांक सिंह उतरेंगे। जबकि एलएसजी के लिए नंबर 4 पर आयुष बडोनी, 5 पर निकोलस पूरन, 6 पर मार्कस स्टोनिस और नंबर 7 पर कृणाल पांड्या उतरेंगे। यहाँ पर भी दोस्तों पंजाब और लखनऊ का पलड़ा बराबर है, दोनों ही तरफ दो दो तगड़े बिग हिटर हैं। पंजाब में जितेश और लिविंगस्टन हैं, जो अकेले दम पर मैच जिताने का दम रखते हैं, जबकि एलएसजी में भी पूरन और स्टोनिस दो तगड़े बिग हिटर हैं। ये दोनों किसी भी बॉलिंग अटैक को तहस नहस कर सकते हैं। पीवीकेएस में सैम करन ने भी बल्ले से अब तक बढ़िया रन बनाए हैं, ऐसे में मिडिल ऑर्डर में पलड़ा दोनों का बराबर है। वहीं दोस्तों बात करते हैं पंजाब और लखनऊ के लोअर ऑर्डर की, तो पंजाब के लिए नंबर 8 पर हर्षल पटेल, नंबर 9 पर कगिसो रबाड़ा, 10 पर अर्शदीप सिंह और 11वें नंबर पर राहुल चार उतरेंगे। जबकि लखनऊ के लिए 8वें नंबर पर रबी बिश्नोई, 9 पर मोहसिन खान, 10 पर नवीन उलक और 11वें नंबर पर यश ठाकुर उतरेंगे। बॉलिंग में पलड़ा पंजाब का भारी लग रहा है। ऑन पेपर पंजाब की बॉलिंग बहुत मजबूत लग रही है, हालांकि पंजाब के पेसर अभी तक 2 मैच में अपने पोटेंशियल के हिसाब से गेंदबाजी नहीं कर पाए हैं। हर्षल पटेल दोनों मैचों में बिल्कुल फ्लॉप रहे हैं। अर्शदीप ने पहले मैच में बढ़िया गेंदबाजी की थी, लेकिन वे दूसरे मैच में फ्लॉप साबित हुए। केवल कगिसो रबाड़ा ने दोनों मैचों में अच्छी गेंदबाजी की है, जबकि एलएसजी के सभी गेंदबाजों ने पहले मैच में बहुत निराश किया है। टीम में एक भी एक्सपीरियंस तेज गेंदबाज नहीं है। विकेट चटकाने का सबसे ज्यादा दारोमदार स्पिन अटैक पर ही होता है, इसलिए एलएसजी को आगे आने वाले मैचों में बहुत दिक्कत आने वाली है। ऐसे में बॉलिंग में पंजाब ही बेहतर है। दोस्तों ओवरऑल इस कंपेरिजन में पंजाब किंग्स का पलड़ा दमदार लग रहा है। बैटिंग दोनों की बराबर है, लेकिन पीवीकेएस की बॉलिंग लखनऊ से बेहतर है, इसलिए इस मैच में जीतने के ज्यादा चांस पंजाब किंग्स के ही रहेंगे। हालांकि मैच एलएसजी के होम ग्राउंड इकानामा होगा, इसलिए उसे इस मैच में होम एडवांटेज जरूर मिलेगा। आपके हिसाब से कौन सी टीम ज्यादा मजबूत है और कौन सी टीम इस मैच में बाजी मारने वाली है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। आईपीएल से जुड़ी ऐसी ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।